इस वीडियो में आज शेयर करने जा रहा हूँ रियल एक्सपीरियंस ऑफ वन ईयर ऑफ एक्टिवा 6G 2022 मॉडल, और इसके नेगेटिव इसके पॉजिटिव आज कम्प्लीटली आपको इस चीज़ को वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि आपको हेल्प रहे कि इस स्कूटी को आपने परचेज करना है फ्यूचर में कि नहीं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में आपको इसकी मैं एवरेज बताऊँगा डेली रोड पे ट्रैफिक रोड पे मुझे कितनी इसकी माइलेज मिल रही है, लास्ट तक देखिएगा, वीडियो नॉलेजेबल रहेगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज मैं अपने कंप्रेसर लाइन से हटके एक अपनी स्कूटी पे वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कई लास्ट जो मैंने TVS की पोस्ट करी थी अपनी वीडियो, उस पर मेरे को कई कमेंट्स आए थे कि आप अब कौन सी स्कूटी यूज़ कर रहे हैं, और अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर रिव्यू बनाइए। तो मैं आज अपना रियल रिव्यू और रियल एक्सपीरियंस कह सकते हैं आज अपना शेयर करने जा रहा हूँ अपनी स्कूटी के ऊपर, जो मैंने मेरे को हुआ एक साल खरीदे हुए और अराउंड 12,555 आप देख सकते हैं इतने किलोमीटर मैं इसको ड्राइव कर चुका हूँ। तो आज मैं अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ आपको, तो ये आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो रहेगी। आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इसके पूरी नॉलेज मिल सके कि कौन सी मेरे लिए क्या एक्सपीरियंस बेस्ट रहा है, और मैंने जो आप लोगों ने मेरे को इतना प्यार दिया TVS की स्कूटी पे उसके लिए शुक्रिया, आप लोगों का थैंकफुल हूँ जो आपने मुझे प्यार दिया अपनी लास्ट TVS की स्कूटी पे। अब मैं इसके आज रिव्यू डालता हूँ, तो स्टार्ट करता हूँ पहले मैं इस स्कूटी के नेगेटिव से। तो पहले मैं नेगेटिव से स्टार्ट करता हूँ, जो नेगेटिव वो नहीं है कि जो नेगेटिव हैं जो मुझे अच्छे नहीं लगे, मुझे थोड़ा डिस्कम्फर्ट लगे, तो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ जो मैंने प्रॉब्लम फेस करी विद इन वन ईयर, जो एक साल के अंदर मैंने जो प्रॉब्लम फेस करी मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ पहले। उसके बाद मैं आपको इसके पॉजिटिव जो मुझे अच्छा लगा कि जो चेंजेस किए हैं लास्ट जो लास्ट उसे एक्टिवा होंडा ने 5G से लेकर 6G में जो चेंजेस किए हैं उसके बारे में बताऊँगा। तो जुड़े रहिएगा वीडियो से, नॉलेजेबल है, लास्ट तक देखिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अपना रिव्यू देना, जो मेरे रिव्यू हैं देखिए ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं किसी से कंपेयर नहीं करता ना कि उसकी स्कूटी की मैं कोई बुराई करने जा रहा हूँ या उसकी बढ़ाई करने जा रहा हूँ, पर मैं अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ जो मुझे इसमें नेगेटिव जो मुझे अच्छा नहीं लगा और जो मुझे बहुत अच्छा लगा चेंज। तो सबसे पहला है आप ये देख सकते हैं हुक है, ये हैंगिंग हुक है, यहाँ सामान टांगने की है, हैवी मटेरियल हो कुछ हो आप इजीली टांग सकते हैं, पर जो लाइट मटेरियल होता है ना वो उड़ के निकल आता है इसके अंदर से बाहर आ जाता है, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। दूसरा ये ऑफ सिस्टम, देखिए ये ऑफ सिस्टम दे रखा है, अगर आप उस पर खड़े हैं रेड लाइट पे ज़्यादा ज़्यादा इसको ऑफ कर देंगे इससे हार्डली, अब देखिए छोटी रेड लाइट है तो आप वैसे ही नहीं ऑफ करेंगे, अगर आप बड़ी रेड लाइट है तो इससे ऑफ करेंगे क्योंकि इसके आगे की हेडलाइट चली रहती हैं, तो ये मेरे को वर्थ इट नहीं लगता इसको ऑफ़ करने का, मुझे हमेशा चाबी से ही ऑफ़ करना पड़ता है, अगर मुझे ऑफ़ करनी है गाड़ी तो मैं इसे ऑफ़ करता ही नहीं। ये एक दूसरा पॉइंट है, एक मुझे इसका ये पुश बटन हार्ड लगता है क्योंकि जब इसको मैं दबाता हूँ तो ये दबता इजीली नहीं है और मेरे थंब में हमेशा पेन क्रिएट करता है, ये यूजली है सीट उठाने के लिए। अब देखो मैंने ये बटन दबाया हुआ है, ये सीट के लिए दबा रहा हूँ, सीट उठता नहीं है, इसको मुझे दबा के इसको सीट को उठाना पड़ता है, तो मुझे ये बहुत हार्डनेस लगती है, ये मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता, तो मुझे ये नेगेटिव लगता है। और तीसरा आपका जो इसके लास्ट जो मेरे को इस पर प्रॉब्लम आई है वो ये देख सकते हैं, देखिए ये मेरा शॉकर सील हो गया लीक कर गई थी, अभी वारंटी में है जबकि कंपनी 3 ईयर की वारंटी देती है और 1 ईयर की फुल प्रोडक्ट की वारंटी होती है, देखो 1 ईयर की फुल वारंटी के अंदर मेरा ये शॉकर लीक हो गया था। अब कंपनी ने मुझसे इससे चार्जेस लिए हैं, मैंने कंपनी से पूछा सर्विस सेंटर से, मैंने कहा यार फिर वारंटी में क्या है, कहते शॉकर की वारंटी है, मैंने शॉकर की वारंटी क्या होती है जब शॉकर की आप ऑयल सील और रबड़ चेंज ऑयल सील और ऑयल चेंज नहीं कर रहे हो उसके पैसे चार्जेस कर रहे हो, कहते नहीं सर जो रबड़ पार्ट्स कभी कवर नहीं होते, तो मैंने कहा फिर शॉकर में क्या वारंटी होती है, शॉकर की पूरी वारंटी होती है, उनका यही जवाब था शॉकर की वारंटी होती है, मैंने कहा शॉकर की वारंटी फिर किस चीज़ की, मुझे इसका आंसर दीजिए, अगर आप लोग मुझे कमेंट में प्लीज़ बताएं कि शॉकर की वारंटी क्या होती है, तो मुझे आज तक समझ नहीं आया क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो अगर आप बता सकते हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में राइट करके बताइए कि शॉकर की वारंटी में क्या कवर होता है, मैंने कहा शॉकर टूट जाए एक्सीडेंटल हो जाए, कहते एक्सीडेंटल का तो अलग केस हो जाता है, तो मैंने कहा फिर शॉकर में और होता है क्या खराब है, एक ऑयल सीली तो खराब होती है और क्या खराब होता है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि शॉकर से रिलेटेड में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आता हूँ नेक्स्ट अपनी प्रॉब्लम पे, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम वो है जो मैं आपको अभी शो नहीं कर सकता, पर मैंने जो फेस करी थी अराउंड 300 और 500 किलोमीटर्स के बीचवीन मैंने फेस करी थी प्रॉब्लम, जब भी मैं इसकी ब्रेक को दबाता था जब भी मैं इसको ब्रेक अप्लाई करता था, जैसे मैं 5-6 बारी ब्रेक अप्लाई करने के बाद 6th और 7th ब्रेक अप्लाई करता था, तो आगे शॉकर में तो मुझे खटकी आवाज़ आती थी, इस साइड से मुझे बहुत तेज़ साउंड आता था, यहाँ पे इस साइड का मुझे तेज़ साउंड आता था जैसे बहुत नॉइज़ फंस रहा है, तो मैंने कंपनी में दिखाया 2-3 सर्विस सेंटर्स का मुझे ये कहना था कि ये प्रॉब्लम हर स्कूटी में है और ये मतलब ये प्रॉब्लम आएगी आएगी, इसका कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है, मैंने कहा चलो यार लगता है एक वीडियो और बना के रखनी पड़ेगी और फिर से इसके लिए फाइट करनी पड़ेगी,
कंपनी से, पर मैं मेरे को किसी ने सजेस्ट किया कि एक जेबी होंडा आनंद पर्वत में उसके पास ले जाओ, कोई प्रमोशन नहीं है, बट उन्होंने मेरी जेन्युइनली प्रॉब्लम को ठीक किया। उसके बाद मैं 12,000 चला चुका हूँ, मेरे को आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके रिगार्डिंग। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी मेरी जेन्युइन मुझे फेस की रही और मुझे जो अच्छी नहीं लगी मैंने आपको उसको डिस्क्लोज करा। अब मैं नेक्स्ट आता हूँ अपनी इसमें इसकी खूबियों पे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो चेंजेस लास्ट 5G से और 6G में इन्होंने चेंजेस किए हैं और मुझे जो अच्छे लगे, जेन्युइनली चेंजेस मुझे अच्छे लगे। एक तो इसका देखिए ये शॉकर है, पहले शॉकर डिफरेंट था, अब ये शॉकर इन्होंने बाइक वाला डाल दिया और इसका फ्रंट रेट जो रेट आया है वो चेंज का बड़ा कर दिया है, बहुत बेटर ग्रिप के लिए अच्छी कंफर्टेबल राइड होती है और शॉकर में मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा चलाने में। मुझे अब इसका चेंजेस में जो किए हैं अभी और भी बता रहा हूँ, ये जो चेंजेस है मुझे बहुत अच्छे लगे। और इसमें एक देखिए फ्यूल टैंक जो है, ये फ्यूल टैंक है हमारा, फ्यूल टैंक ऑटो साइड में कर दी, ये अच्छा बेनिफिट है, सीट खोलने की बार बार जरूरत नहीं पड़ती। और इसका ये सेल्फ, जो ये सेल्फ है ना, जब इसको सेल्फ देते हैं ना बहुत कंफर्टेबल सेल्फ स्टार्ट होती है गाड़ी, रेस देने की भी जरूरत नहीं होती। ये देखिए ये स्टार्ट हो गई, सेल्फ बहुत कंफर्टेबल है इसका। इसकी एक तो सबसे बेनिफिट है इसकी चौक हटा दी गई है, अब हमें चौक बार बार खींचने की जरूरत नहीं पड़ती, हम चौक पुल करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए चौक का लीवर यहाँ से हट चुका है, बिल्कुल प्लेन हो चुका है, ये सबसे अच्छा बेनिफिट दिया कि चौक हमें बार बार खींचने की। अगर हम यूजली क्या होता है, नई स्कूटी हम चौक खींचते नहीं हैं और जो चौक वो हो जाती है, जाम हो जाती है जब भी आप बाद में यूज़ करो, तो जब यूज़ करने का टाइम होता तब तक वो जाम हो जाती है और जब यूज़ नहीं कर रहे तब तक वो प्रॉपर चलती है। तो अब ये चौक हटा दी गई, नॉर्मली जो स्टार्ट होता है देखिए चौक के बिना स्टार्ट होती है, थोड़ी स्टार्टिंग में रेस आती है, ये देखिए बिना चौक के स्टार्ट होती है, बिल्कुल कंफर्टेबल है। अब स्टार्ट है बिल्कुल स्मूथनेस स्टार्ट है, इसमें बहुत स्मूथ है, कोई नॉइज़ नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल स्मूथली स्टार्ट हो रही है। आपको एक चीज़ और बतानी थी, अब मेन पार्ट जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए इसका ये इंजन कर दिया PGM FI इंजन कर दिया, फ्यूल इंजेक्शन। ये इंजन देखो मेरे को टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्निकल नहीं बता सकता, नॉलेज दे सकता, अगर हम उनसे टेक्निकली पूछे तो नहीं बताऊंगा, पर मैं जो एक्सपीरियंस किया मैं वो बताता हूँ। मेरे को इसकी जो बेस्ट पार्ट है, जो हम दिल्ली में हम यूजली ट्रैफिक में हम डिमांड करता है, यूजली स्कूटी की कोई लेते हैं डिमांड करते हैं कि भाई हमारे को एवरेज अच्छी मिले, तो आप सरप्राइज होंगे मुझे इसकी एवरेज 55-60 ऑन डेली रोड मिल जाती है। पर ये बता दूँ सिंगल राइडर, मैं अकेला चलाता हूँ, मैं डबल राइडर की नहीं बात कर रहा, सिंगल राइडर में मुझे 55-60 ऑन डेली रोड एवरेज मिल जाती है इसकी इजीली। जो इसका बेस्ट पार्ट है, मुझे अच्छी एवरेज मिलती है, जो कि इवन कंपनी जब मैं परचेज करने गया था वो भी कहते कि 35-40 एवरेज आती है सर, इससे ज़्यादा नहीं आती, बट मुझे बहुत अच्छी एवरेज मिलती है 55-60 की जो एवरेज मुझे मिलती है वो सिंगल राइडर पे, और एवरेज स्पीड ऑफ 40-50 किलोमीटर पर आर की स्पीड में मुझे मिलती है, मैं रफ ड्राइविंग नहीं करता। हाँ बस कंपनी को थोड़ा सा चेंजेस और करने चाहिए, कंपनी को 110cc में जो यूजुअली प्रोवाइड नहीं करती, इनको अब डिस्क ब्रेक भी देनी चाहिए, जो आज के लिए जैसे यंगस्टर्स के लिए वो बेनिफिट है ब्रेकिंग के लिए। अब आता हूँ मैं कंक्लूजन पे, अगर आप सब मुझसे पूछें कि हमें ये एक्टिवा 6G लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, तो मैं गाइड करूँगा सर लेनी चाहिए डेफिनेटली, मुझे कोई इतना इशू नहीं आया, एक इशू आया था वो भी कंपनी ने रिजॉल्व कर दिया इजीली और मुझे कोई इतना टेंशन नहीं दिया, कंफर्टेबल राइड है, ईजी टू ड्राइव है, और बेस्ट पार्ट माइलेज बहुत अच्छी है, जो हमें डेली यूज़ में हमें चाहिए होती है माइलेज, बेसिकली माइलेज पे ही हमारा सारा काम टिका, क्योंकि एवरेज अगर कम आएगी तो पेट्रोल हमारा एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, तो मेरा एक्सपेंसेस लो है, मेरे को माइलेज अच्छी मिलती है, आप जैसे बताया 55-60 की एवरेज मिलती है, तो बेस्ट माइलेज है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, जैसे मैंने अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर किया है, आप मुझे कमेंट में डाल के बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपको कोई पॉजिटिव क्या लगा, नेगेटिव क्या लगा, आप मुझसे शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, गुड बाय।